हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनबीएस की नई भर्तियों के संबंध में, एक न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर 1900 से ज़्यादा पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर सरकारी जॉब्स हैं, और इसके लिए जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो है एनबीएस की भी काफ़ी कॉलेजेस यहाँ पर हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इनकी वैकेंसीज उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, टोटल डिटेलिंग आपको बता देते हैं इसमें। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन पदों पर जो है काफ़ी पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हुई हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में। तो इसमें जो है बहुत सारे पोस्ट निकल के आई हुई हैं, और इसके लिए जो है सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की, यहाँ पर जो है पोस्ट टोटल निकल के आ रही है, इसमें 5 पोस्ट निकल के आ रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पोस्ट यहाँ पर हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है एडमिन ग्रुप ए की, जो इसमें यहाँ पर जो है आपकी टोटल जो पोस्ट निकल के आ रही है 2 आ रखी हैं, और फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर टोटल 82 निकल के आ रखी हैं, ठीक है। और इसमें जो है सेंट्रल लेवल की जॉब है, इसमें जो है आप अपने अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी। अगर एससी में है तो एससी में फॉर्म फिल करें, और अगर ओबीसी में तो ओबीसी में, और एसटी में है तो एसटी में, जनरल में तो जनरल में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर है, टोटल जो है 10 पोस्ट निकल के आ रखे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 6 पोस्ट यहाँ पर हैं। और वहीं यहाँ पर आपके देख सकते हैं ग्रुप सी में जो है यहाँ पर जो है 5 पोस्ट, यहाँ पर 11 पोस्ट इसकी भी निकल के आ रखी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर जो है टोटल जो पोस्ट हैं 4 पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रखी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी है, इसमें 1 पोस्ट टोटल रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। स्टेनोग्राफर की भी 22 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पर 4 पोस्ट रखी गई हैं, और यहाँ पर जो है सेटरिंग असिस्टेंट की यहाँ पर जो है 87 पोस्ट यहाँ पर टोटल रखी गई हैं। उसके बाद से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो यहाँ पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी JNB में है, और इसमें यहाँ पर 622 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें रखे गए हैं, 622 पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, टोटल जो है 273 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं लैब अटेंडेंट का है, इसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, 142 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी देख सकते हैं 59 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद से मेस हेल्पर की हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, और इसमें जो है 629 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद MTS की पोस्ट है, MTS में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 23 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इतनी सारी पोस्ट रखे गए हैं, सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर मेस हेल्पर की है, और ग्रुप सी की है, इसके अंदर 629 के करीबन है। उसके बाद 622 जो कि यहाँ पर ग्रुप सी जो कि असिस्टेंट जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट वाले हैं, इसका पोस्ट रखी गई है। तो इस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पर जो है पहले तो जो यहाँ पर इस पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हो ऊपर, और यहाँ पर जो है इसके लिए जो है मास्टर होना चाहिए, साइंस है कॉमर्स इसमें जो है आपके पास होना चाहिए, और जो कि Grade 1 लेवल की पोस्ट यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी इसकी है, 78,800 से स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद से यहाँ पर अगर बात करें जो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के हैं, पोस्ट कोड 2 का है, इसमें आपके पास जो है ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अगर है तो ठीक है, इसका ग्रेड भी काफ़ी अच्छा है। और पोस्ट 3rd के लिए यहाँ पर जो है फीमेल स्टाफ नर्स का है, इसके लिए जो है आपके पास यहाँ पर 12th में जो है साइंस होना जरूरी है, और 12th पास के साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर Grade A में जो है 3 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग में होना जरूरी है। और इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का भी यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन अगर बात करें, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है नॉन यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ऑपरेशन जो ऑपरेटर करने का कंप्यूटर है वो आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना। उसके बाद से यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर एडिट असिस्टेंट का है, और इसके लिए जो है ऑडिट असिस्टेंट की अगर बात करें, तो इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन BCom मांगा गया है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का यहाँ पर जो है अगर बात करें, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी और एंड विद इंग्लिश के साथ कंपल्सरी यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर जो है आपके पास जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो है आपके मीडियम में यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर बात करें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल का, तो इसके लिए जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में,
3 ईयर डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर में आपके पास यहाँ 12th पास होना चाहिए और शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए। 8 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर टाइपिंग रखी गई है और 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है हमने जो है रखा गया है डिक्टेशन। उसके बाद से यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके पास यूनिवर्सिटी इनकी डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा जो है आपके पास जो है कोई भी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद से जो पोस्ट कोड 10 दे रखा है इसके लिए जो है आपके पास ओनली जो है यहाँ पर जो असिस्टेंट वाले हैं ठीक है उसके लिए आपके पास 10th पास होना कंपलसरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 3 ईयर का डिप्लोमा आपके होना चाहिए कैटरिंग का भी, ये भी पूछा गया है बताया गया है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का यहाँ पर है, इसके लिए भी आपके पास जो है यहाँ पर जो 12th पास है उसके लिए बताया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो है ये जो 30 वर्ड है पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग भी आपके यहाँ डिक्टेशन होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो है जो आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है इसके जो ये आपके पास 12th पास होना ज़रूरी है, इसका भी क्वालिफिकेशन सेम ऊपर की तरह है और यहाँ पर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और 25 मिनट हिंदी में होना ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिशियन है और कम प्लम्बर है इसके लिए जो है आपके पास 10th पास होना चाहिए और उसके साथ साथ ITI में जो है आपके पास इक्विवेलेंट जो आपके इसके साथ साथ रहती हैं इलेक्ट्रिशियन या वाट ठीक है जो आपका वायरमैन है या प्लम्बर है इस पर जो है आप बेस्ड जो है कोर्स करा होना चाहिए। उसके आपका लैब अटेंडेंट का है इसके लिए यहाँ पर जो रखा गया है 10th पास रखा गया है और 10th पास होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा लेबोरेटरी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या 12th पास यहाँ पर रखा गया साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। अगर 12th आपके पास साइंस स्ट्रीम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैथ हेल्पर का है इसके लिए जो है 12th पास होना ज़रूरी है, ओनली 12th पास रखा सॉरी 10th पास रखा गया ठीक है, ओनली जो है आपके पास 10th पास रखा गया है इन पोस्टों के लिए। उसके बाद MTS की है, MTS में अगर बात करें तो इसके लिए भी आपके पास जो है 10th पास होना ज़रूरी है तो ओनली 10th पास रखा गया है। कैटेगरी में जो है छूट आपको मिलेगी जो आपके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, SC ST वाले के 5 साल का, यहाँ पर OBC के लिए 3 साल का, इस तरह का सिलेक्शन मिलता रहेगा जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए अगर आपके पास जो फॉर्म का अप्लाई है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए जो है आपके पास यहाँ पर उत्तराखंड में भी है तो उत्तराखंड के अभ्यर्थी के लिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईजिली ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि रुड़की है, हल्द्वानी है, देहरादून है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सेंटर्स मिल जाएंगे और एग्ज़ाम सेंटर और यहाँ पर जो है काफ़ी उत्तराखंड में काफ़ी कॉलेज भी हैं NBS के। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो अगर बात करें तो ये आपके पास देख सकते CBT के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 1 का यहाँ पर इस तरह का सिलेबस आपको दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर जो है इसमें सेकेंड इंटरव्यू भी रखा जाएगा ठीक है, सेकेंड स्टेज में इस तरह रखा गया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है अलग अलग सिलेबस रखा गया है। तो ये इस तरह का यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 4 का है ये आपका यहाँ पर सिलेबस है। उसके बाद से यहाँ पर पोस्ट कोड 5 का भी जो आपका एडिट असिस्टेंट का इस तरह रखा गया सिलेबस। और बाकी आप लोग जो है देखना चाहते हैं तो NBS की ऑफिशियल साइट पर जो है इसका जो है PDF मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का रखा गया है पोस्ट कोड 6 का और पोस्ट कोड 7 का जो है सिलेबस ये है और पोस्ट कोड 8 का यहाँ पर इस तरह का स्टेनोग्राफर का ये आपका रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इस तरह का सिलेबस है। उसके बाद से ये आपका पोस्ट कोड 10 का है कैटरिंग वाले का। उसके बाद से ये सब CVT के माध्यम से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये आपका है नेक्स्ट पोस्ट कोड जो कि आपका देख सकते हैं 12 का है, पोस्ट कोड 13 का इस तरह का यहाँ पर है प्लम्बर वाले का, तो ये आपका है 10th लेवल का ही होगा। उसके बाद से यहाँ पर जो लैब अटेंडेंट का है वो इस तरह का है, 3 पार्ट में है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा तो इस तरह का है। उसके बाद से सब्जेक्ट नॉलेज आपका है टोटल 120 वाले का है, क्वेश्चन के होंगे 120 नंबर का होगा। और मैथ्स हेल्पर का यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग है 15 नंबर की और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस लैंग्वेज ठीक है इसका है आपका टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो इस तरह का पूरा रखा है। स्किल टेस्ट भी आपका रहेगा इसमें।
तो यहाँ पर जो MTS है उसमें स्किल टेस्ट का भी आपका यहाँ पर 100 नंबर का है। तो इस तरह का पूरा का पूरा है, इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। NBS की ऑफिशियल जो साइट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर फॉर्म का फीस का, तो अलग अलग के हिसाब से यहाँ पर है। इन पोस्टों के लिए यहाँ पर 1500 रुपया, स्टाफ नर्स के लिए 1200, और जो बाकी जो ये पोस्ट है 1000 रुपया। और यहाँ पर लैब अटेंडेंट का है, और यहाँ पर मेस हेल्पर, और यहाँ पर MTS का है, यहाँ पर 750 रुपया, ठीक है, इस तरह का रखा गया है। और बाकी अगर बात करो डेट की, रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर 12/1 से है, और रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की है 10/2 को लास्ट डेट इसकी रखी गई है, और फीस डिपॉजिट करने की 12/1 है ओपन, लास्ट अगर बात कर 10/2 को ही है। और टेंटेटिव जो CVT के माध्यम से एग्ज़ाम बताया गया है वो 9/3/2021 से, सॉरी 22 से 11/3/2022 तक यहाँ पर जो है इसका रहेगा। बाकी आप PDF देख सकते हैं, इसका फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं।